टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टैग गुरुचर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने एम्पलीफायर में बेस ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा बड़ा कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रियली वर्क करता है, गारंटी से ये वर्क करता है। मैं आपको अभी यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा कि इस स्पीकर में या किसी भी छोटा या बड़ा किसी भी स्पीकर में आप कर लेना, क्लियर वॉइस निकलता है और प्लस इसमें बेस आने लगता है, अच्छी तरह से बेस निकलने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी 30 रुपये में इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है। देखो, एक तो चीज़ आपको ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है आपको दिखा दूँ, ये CFL का बोर्ड है, आपको ये निकाल लेना है। इससे ये वाला है, ऐसे ही मैंने एक निकाल लिया है, वो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। और आपको एक कैपेसिटर लेना है, जो फैन वाला, ख़राब नहीं लेना है, एकदम बढ़िया कैपेसिटर लेके आना। यही बस आपको 30 रुपये खर्च करने और आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, मात्र ये 30 रुपये का लेके आना, ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखो इस ट्रांसफार्मर में 3 टांगें होती हैं। अब आपको एक काम करना है, मैं आपको बता दूँ, देखो 1 2 3 ये 3 लेग हैं, इसमें से 2 पिन पर किसी पर भी या इधर से जोड़ लो या इधर से जोड़ लो, आपको कैपेसिटर लगा देना है। फिर उसके बाद वो क्या करना है वो मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। एम्पलीफायर में ये देखो, आपके स्पीकर के वायर कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, तो इसमें से बीच में से एक वायर को आपको काट लेना है। ठीक है, देखो मैं पलट के भी दिखा दूँ, इस तरीके से काट लेना है। चलो पहले मैं आपको इस तरीके से डायरेक्टली चेक करके दिखाता हूँ, फिर मैं इससे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले डायरेक्टली चला के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको चालू कर दिया है, बस इसके तार को टच करना है और इसमें आवाज़ आने लगेगी। तो यहाँ पर मैं तार को टच करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखी हमारी इसकी सादा आवाज़। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसमें रख ले रहा हूँ इसके, जिससे अच्छी आवाज़ लगे। ठीक है, मैं इसमें रख दे रहा हूँ, इसमें और कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगे तो मैं आपको आवाज़ एक बार फिर से सुना दे रहा हूँ, ये आवाज़। तो फ्रेंड्स, इसकी ये आवाज़ है। ठीक है, अब हम इसमें ये वाला जो सिस्टम बता रहे हैं बेस के लिए, ये लगाते हैं, फिर हम इसकी आवाज़ को आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके तार जोड़ ले रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी वायर लगा दिए हैं, तो आप देख लीजिए एक बार के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसकी वायर लगा दिए हैं। आपको आवाज़ थोड़ा कम जरूर लगेगा, मतलब उससे आवाज़ थोड़ा आपको कम जरूर लगेगा, लेकिन बेस निकलेगा, पहले से ज़्यादा बेस आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको चला के देखते हैं, फिर इसका बेस टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, आ चुकी है और ये चालू हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें बेस आ रहा है, देखो। अब फ्रेंड्स, मैं इसके चिमटी से वायर टच करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका बेस बिगड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हमारा जो ये फिल्टर है, बेस फिल्टर जो बनाया था हमने, किस तरीके से अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।